हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इतिका व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है, ये वीडियो मैंने मतलब पहले शूट करी हुई है इंडिया में, अभी नहीं मैंने शूट करी थी। ये वीडियो है रिलेटेड कि हम अपना जो सामान है वो हम कैसे पैक कर सकते हैं। मतलब मैंने वैक्यूम बैग्स मंगवाए थे इंडिया में, तो हमने सामान उसमें पैक किया था। बहुत मतलब काफ़ी सारे आते हैं, स्मॉल आते हैं, मीडियम आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा लार्ज आता है उसमें। तो वो कितने का पैक होता है, आई थिंक 15 का पैक होता है आई थिंक। और उसमें आप अपने सारे कपड़े, जैकेट्स वगैरह इजीली पैक कर सकते हैं। उसके अंदर स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है, आप कपड़े ज़्यादा उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको वैक्यूम कर सकते हैं। उसमें एक पंप आता है, उसमें बैग्स आते हैं, बैग्स का लॉक होता है, फिर उसके बाद उसकी सारी एयर आप पंप के थ्रू उसमें से निकाल लेते हैं। और वो जैसे आप अपनी क्विल्ट्स वगैरह वैक्यूम करवाते हैं ना यहाँ आने से पहले, वैसे ही वो वैक्यूम बैग्स आते हैं। उसमें कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाते हैं। मतलब ये है कि आपका लगेज जितना मतलब लगा लो, अगर आपके लगेज में आई थिंक 180 है, तो उसमें मतलब लगा लीजिए, सामान अच्छे से पैक हो जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आगे आप वीडियो देखेंगे उसमें कैसे मैंने पैकिंग की है। मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ उसमें पैकिंग कर रहे हैं, वैक्यूम बैग्स हैं, उसके अंदर आप सामान डालेंगे, उसके बाद आप उसको पंप करके उसकी सारी एयर निकाल देंगे और उसको आप एज इट इज़ अपने बैग्स के अंदर डाल के ला सकते हैं। यहाँ पे वो रास्ते में खुलता नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे लाने का, वो रास्ते में खुलते नहीं हैं, आपका लगेज इजीली उसमें ठीक आ जाता है। सो आप देखिए जो हमारा कैसे मैंने वो यूज़ करे थे इंडिया में, सारा वहाँ पे मेरा लगे जो मेरा सामान है वो वहीं पे मतलब हॉश पॉश है, पैकिंग हो रही थी उसमें मेरी। सो आपको गाइड मिल जाएगा थोड़ा सा आपको, कि आपको कैसे कैसे पैकिंग करनी, मतलब पैकिंग के लिए तो नहीं मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, मतलब आपको देख के पता चल जाएगा वो कैसे थे बैग्स वगैरह। फाइन फ्रेंड्स, सो वॉच द वीडियो। और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, आगे वीडियो अपडेट करती रहूँगी। बीच में टाइम कम मिल रहा है अपडेट करने के लिए, ये वीडियो एकदम से मुझे याद आई कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी, वीडियो मैंने डालनी थी पर अभी बहुत लेट डाल रही हूँ। जो लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, जो उन्होंने आना है यहाँ पे उनके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ताकि वो ऑनलाइन, ये हमने ऑनलाइन मंगवाए थे, और सेकेंडली वैक्यूम बैग्स, ठीक है, हमने ऑनलाइन मंगवाए थे ये, क्योंकि वैसे भी कोविड है, आपको बाहर जाके मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाके मिलेंगे भी, ऑनलाइन ही मंगवाने पड़ेंगे। अमेजोन से आपको इजीली मिल जाएंगे ये वैक्यूम बैग्स, और अच्छे हैं वैक्यूम बैग्स, ना फटते हैं, और आप इनको इजीली वापस भी, आपको यहाँ से अगर आपको वापस इंडिया जाना है बीच में, तो आप आराम से लेके जा सकते हैं और आराम से उसमें सामान दोबारा लेके भी आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो वैक्यूम बैग की, और आगे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आप देखिए आगे वैक्यूम बैग्स को मैंने कैसे यूज़ किया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज इतने सारे कपड़े आपके सामने यहाँ पे हमने पैकिंग के लिए निकाले हुए हैं, पैकिंग कर रही हूँ, पर अभी फाइनल नहीं है कि हमारा अभी ड्यू टू कोविड कब हम जाएंगे। वन बैग, टू बैग, थ्री बैग, फोर बैग, अभी कुछ नहीं पता कितना सामान अभी जाएगा और कितना सामान अभी यहीं पर रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है पंप जो कि हमने वैक्यूम करवाने के लिए लिए थे, पैकिंग करने के लिए वैक्यूम बैग्स लिए थे हमने, अभी मेरे हस्बैंड इसको वैक्यूम करेंगे। ये मैंने डाला है गर्मियों का सामान, इसमें गर्मियों का डाल रही हूँ, ब्लू कलर के बैग में, रेड कलर के बैग में हम डालेंगे विंटर्स का। और ये कर रहे हैं इसको वैक्यूम, इसके अंदर हम बहुत सारे कपड़े डाल के वैक्यूम बैग जाते हैं, पॉलिथिन के होते हैं ये, कर दो, ये हो रहा है वैक्यूम। इसमें स्पेस कवर हो जाती है ज़्यादा ना, सामान ज़्यादा आ जाता है। हमने एक्चुअली अपने कपड़े सेग्रीगेट किए हुए हैं सर्दी में और गर्मियों में, तो जो हम अभी जाएंगे यहाँ पर, तो वहाँ पे इस टाइम पे सर्दी हो गई, तो सर्दी के हमने अलग से कर दिए हैं, गर्मी के अंदर पैक कर दिए हैं, वो तो हम पैक खोलेंगे ही नहीं, गर्मियों में थोड़े हैं एक्चुअली, हाँ वो छेड़ेंगे नहीं पैक बिल्कुल, हम ये बैग ऐसे ही पैक रहेगा और सर्दी के हमारे कपड़े इस तरह देंगे, ठीक है। तो अभी ये वैक्यूम हो रहा है, और हमने शूज बाय किए हैं यहाँ से, शूज वहाँ पे कॉस्टली होते हैं सच,
शूज दिखाने, दिखाती हूँ भी पहले अभी। सो इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं, वैक्यूम हो गया है और सामान बहुत सारा अभी निकाले हुए हैं। जैकेट्स निकाल रखी हैं, कपड़े, थोड़े से मैगी के पैकेट्स हम लेके जा रहे हैं साथ में। बाकी मैं अभी दोबारा भी दिखाऊंगी मैगी वैसे वहाँ पे मैगी वैसे वहाँ मिलती है अच्छी, इतनी मैगी आटा मैगी है, बट हम लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे कौन ऑर्डर करेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत तो कुछ हमारे पास सामान होना चाहिए खाने के लिए, बाकी वहाँ से ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है। सो और क्या क्या हमने लिया है, बच्चों के कपड़े हैं, शूज हैं, शूज हमने लिए हैं, दो शूज के पेयर लिए हैं, एक वहाँ पे मिला था, एक सेल में मिला था। अच्छा, ये सेल में लेके आए थे हम एडिडास का, और फ्रेश में मिला था हमें ये वाला, थोड़ा कॉस्टली था लेकिन ले लिया हमने। चलो वहाँ पर जाके एक्चुअली रनिंग और वहाँ जाके वॉक ज़्यादा करनी पड़ेगी ना हमें, तो थोड़ा सा शूज़ यहीं से लेके जाएंगे तो बेटर रहेगा, वहाँ भी मिलते हैं शूज़ अच्छे। बट सो फ्रेंड्स हम पैकिंग कर रहे हैं, लेट्स सी। सारी पैकिंग करने के बाद मैं एक बार ही आपको दोबारा खोल के दिखाऊंगी, जब मैं ओपन करूंगी अपने बैग्स जाके पहुंच के, तो मैं फिर दिखाऊंगी कि हमने कैसे कैसे किया है। मेन मैंने आपको दिखाया है इसमें वैक्यूम, जो कि एक एडवांटेज है, कोई एक जगह से दूसरी जगह अगर जाए तो सामान को कैसे पैक कर सकता है ईजिली। सो लेट्स सी।